नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ शीतल और ड्रामा एक्सपो में आपका स्वागत है। अब तक आपने देखा कि अपना चिंदी लौंडा और हाइपर अलबेली मिलकर उस साइको एमएलए का पर्दाफाश करने का ठान लेते हैं। अब आगे एपिसोड की शुरुआत गैंग लीडर से होती है, जिसके पास दरिंदे डो इनब्यूम का कॉल आता है, जो गैंग लीडर को जल्द से जल्द ये देश छोड़ने को बोल रहा होता है। क्योंकि इतना तो इसे भी पता है कि अब सुयोल उसी इंसान के पीछे आने वाला है जिसने मृत जोंग युना की बॉडी को ठिकाने लगाया था। और क्योंकि वो इलीगल वैन सुयोल को यही मिला था, तो जाहिर सी बात है कि अब वो गैंग लीडर के ही पीछे आएगा, राइट। एनीवे, गैंग लीडर दरिंदे पर भड़कने लगता है और यहाँ से जाने से साफ साफ इनकार कर देता है, क्योंकि इसको चाहिए बदला। तभी गैंग लीडर का फेक एक्सेंट वाला वही अंग्रेज जमुरा वहाँ आता है और बोलता है, हे बॉस, हम लोग छापे छापे पर वही हेलमेट और बाइक ढूंढ रहे हैं, पर इतने बड़े शहर में उन्हें ढूंढना ऐसा है जैसे कूड़े के ढेर में से कांटी ढूंढना। फिर पता चलता है कि ये गैंग लीडर इसलिए इतना हाइपर नहीं है क्योंकि उस दिन सिरफिरे ने इन्हें कूट दिया, बल्कि इसलिए इतना हाइपर है कि कूटने के बाद वो इसका कोई कीमती सामान अपने साथ ले गया। अंग्रेज जमुरा गैंग लीडर को समझाता है कि यहाँ से भाग लेने में ही समझदारी होगी, क्योंकि आज नहीं तो कल ये लोग पकड़े ही जाएंगे। पर गैंग लीडर जमुरे पर भड़कने लगता है, क्योंकि ये जब तक उस सिरफिरे से अपना बदला और सामान वापस नहीं ले लेता, ये यहाँ से नहीं हिलने वाला। हमका चाहिए बदला। उधर सुयोल गैंग लीडर के उसी अड्डे पर आता है जहाँ पिछली बार इसकी दूसरी पर्सनालिटी यानी कि उस सिरफिरे ने धूम मचाई थी। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि गैंग लीडर और उसकी पूरी गैंग यहाँ पर नहीं है, बल्कि अपने किसी दूसरे अड्डे पर है। एनीवे, अब आगे बढ़ते हैं। अंदर आते ही सुयोल को सब कुछ याद आने लगता है कि कैसे इसने उन सबको कूट कूट कर मारा था, वो भी तेल में फिसल फिसल कर। और ये सब सोच कर वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तभी क्या हुआ, तूने डरा दिया साले, इस तरह से चुपचाप कौन आता है। बाहुबली बोलता है, चुपचाप, मैं बाहर से तुम्हें ही पुकारता हुआ आ रहा था, पर तुम सुन ही नहीं रहे थे। सुयोल बोलता है, हाँ तो क्यों सुनूं मैं, भले मानुस ग्योंगते के केस में मदद ना करने की वजह से उस दिन तुमने ऐसे बर्ताव किया जैसे कि मैं कोई कूड़ा कचरा हूँ। जिसियन बोलता है, मैंने ऐसा कब किया, तुम उतने भी बुरे नहीं हो। उसके बाद दोनों ऊपर जाकर देखते हैं तो इलीगल ज्वेलरी एंड ऑल से भरा हुआ पूरा रूम पूरी तरह से खाली होता है। Cause why not? अब पूरी गैंग ही अंडरग्राउंड है, तो अपना स्मगलिंग का सामान थोड़ी यहाँ छोड़ेगी। एनीवे, सुयोल बोलता है, हमें किसी भी तरीके से उस गैंग लीडर को ढूंढना ही होगा। उस साइको एमएलए को पकड़ने के लिए हमें पुख्ता सबूत चाहिए। अगर वो गैंग लीडर नहीं मिला ना, तो हम कभी भी उस साइको एमएलए को नहीं पकड़ पाएंगे। तुम एक काम करो, सबसे पहले तो सपोर्ट यूनिट को इन्फॉर्म करो कि वो ब्लैक मार्केट के डीलर्स का पूरा एक लिस्ट बनाए, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर गैंग लीडर के पास स्मगलिंग का इतना सारा सामान है तो उसे बेचने के लिए तो वो ब्लैक मार्केटिंग की राह चुनेगा ना। और एक बार अगर वो हाथ में आ गया तो फिर तो एमएलए और उसका साथ देने वाला उसका चचेरा भाई यानी कि दरिंदा डो इनब्यूम दोनों का काम तमाम हो जाएगा। वैसे दरिंदे से याद आया, वो दरिंदा फिर से हॉस्पिटल जाता है और दूसरे पुलिस ऑफिसर जो भले मानुस के रूम के बाहर खड़े होकर गार्डिंग कर रहे होते हैं उन्हें खाना खाने के बहाने भेज देता है और फिर से भले मानुस के पास जाकर उसे घूरने लगता है। लेकिन इससे पहले कि ये कुछ कर पाए, वहाँ पे अपना चिंदी लौंडा पहुँच जाता है। वो बोलता है, ग्योंगते को देख कर तुम जो ये एक्सप्रेशन बना रहे हो, क्या कोई गिल्ट या डर है जो तुम दिखा रहे हो, या फिर दोनों ही है पर तुम छुपा रहे हो। दरिंदा बोलता है, आप तो शायद अभी सस्पेंडेड हो, नहीं। सुयल बोलता है, बात तो सही है, हूँ तो। हाय, मेरा ये दुख कभी खत्म ही नहीं होता। खैर, तुम भले मानुस ग्योंगते के केस में बहुत इंटरेस्टेड हो, इसलिए मैं तुम्हें एक फ्री की एडवाइस देना चाहता हूँ, ध्यान से सुन लो, पैसे नहीं लूंगा। इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि लोगों की फ्री एडवाइस की तरह हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के भी बिल्कुल पैसे नहीं लगते। ओके, चैनल का प्रमोशन बहुत हुआ, नाउ बैक टू एपिसोड। सुयोल बोलता है, एक एडवाइस देता हूँ, ध्यान से सुन लो, इससे पहले कि खून के केस में तुम्हें अंदर कर दिया जाए, खुद ही सरेंडर करके सारी सच्चाई बता दो। सुयोल बोलता है, चेहरे पर हैरानी क्यों, यही तो हो रहा है ना अभी, खून किसी और ने किया और तुम उस पर पर्दा डाल रहे हो, नहीं। दरिंदा बोलता है, लगता है सब लोग सही कह रहे हैं, सुपरिटेंडेंट रियू सुयोल का सिर सच में फिर गया है। सुयोल बोलता है, बात तो सही है, इस तरह से एमएलए को थोबड़े पर फ्लाइंग किक कौन मारता है यार। वैसे याद आया, जिस इंसान ने मृत जोंग युना की लाश को ठिकाने लगाया था उसका नाम गैंग लीडर, मेरा मतलब मिस्टर मा था ना, तुमने उसे खुद हायर किया था ना। दरिंदा गुस्से से बोलता है, सिरफिरा कहीं का, और जाने लगता है।
सुयल पीछे से बोलता है, एमएलए तो शायद इससे निकल भी जाए, पर तुम नहीं निकल पाओगे, कभी भी नहीं। तुम ये बात जानते हो ना, इसीलिए ध्यान से सोचो। जिस नाव पर छेद होता है उस पर सवार होने से जिंदगी खत्म हो सकती है, दरिंदा बोलता है, और उस नाव का क्या जिस पर तुम सवार हो, वो क्या सुरक्षित है? चलो देखते हैं फिर किसकी नाव पहले डूबती है, और मुस्कुरा कर चला जाता है। उसके बाद सुयोल अपने घर आता है तो पता चलता है कि आज तो उसका बर्थडे है। यही नहीं, अभी और सुनिए, चिंदी लौंडे के साथ साथ आज इसके बड़े भाई यानी कि घोंची डोंगियोल का भी बर्थडे है। What? दोनों 3 साल के बड़े छोटे हैं, पर दोनों का बर्थडे एक ही दिन होता है ना, मस्त कोइंसिडेंस? जी नहीं, दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस। आज सही मायने में बोला जाए तो चिंदी लौंडे का बर्थडे नहीं बल्कि इसके बड़े भाई डोंगियोल का बर्थडे है। एक्चुअली अपना चिंदी लौंडा सुयोल और घोंचू डोंगियोल सगे भाई नहीं है। What? जी हाँ, बचपन में अपना चिंदी लौंडा इन्हें कहीं मिला था और तब से माँ इसे अपने बेटे की तरह पाल रही है और अपने दोनों बेटे का जन्मदिन एक ही दिन मनाती है। एनीवे, सुयोल को स्पेशल फील कराने के लिए बर्थडे सरप्राइज का सारा प्रिपरेशन घोंचू डोंगियोल ने खुद ही किया है। पर वो होता है ना कि जब तक अपने भाई या बहन को इरिटेट ना कर लो दिल को सुकून नहीं मिलता, तो इन दोनों का भी ना कुछ ऐसा ही है। इसीलिए सुयोल को इरिटेट करने के लिए डोंगियोल जानबूझकर उसके लिए एक ऐसा खाना बनाता है जिससे वो चिढ़ता है। फिर क्या था, लड़ाई शुरू। उसके बाद सुयोल नहा कर आता है तो उसकी नजर उसी बर्थडे केक पर पड़ती है और उसे अपने बचपन का वो दिन याद आने लगता है जब माँ ने पहली बार दोनों भाई का बर्थडे साथ में मनाया था। छोटे सुयोल ने उन दिनों इनके साथ नया नया रहना शुरू किया था, इसलिए वो ना ज्यादा कुछ बोलता और ना कुछ मांगता था। उस दिन माँ छोटे घोंचू डोंगियोल के लिए गिफ्ट के तौर पर एक रोबोट लेकर आई थी जो छोटे सुयोल को भी बहुत पसंद था। छोटा घोंचू डोंगियोल बोलता है, तुम माँ से रोबोट मांगो, तुमने कहा था ना कि तुम्हें चाहिए। छोटा सुयोल माँ की तरफ देखते हुए बोलता है, तो क्या मैं वो मांग? माँ बोलती है, बिल्कुल तुम मांग सकते हो पगले। फिर एक रोबोट निकालकर छोटे सुयोल को देती है जो वो इसी के लिए लाई थी। माँ बोलती है, चलो अब माँ बोलो मुझे। छोटा घोंचू डोंगियोल मुस्कुराते हुए सुयोल की ही तरफ देख रहा होता है। छोटा सुयोल शर्माते हुए बोलता है, माँ। ये सुनकर माँ की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, वो खुशी से छोटे सुयोल को गले लगा लेती है और बोलती है, मेरा छोटा बेटा, अब मेरे पास एक छोटा बेटा भी है, हमारे परिवार का एक प्यारा सा हिस्सा बनने के लिए थैंक यू सो मच मेरे बेटे, हैप्पी बर्थडे। प्रेजेंट में वो सारी बातें याद करके सुयोल इमोशनल हो जाता है। तभी उसकी नजर घोंचू डोंगियोल पर पड़ती है जो सोफे पर सो रहा होता है। सुयोल उसे एक चादर उड़ाकर सोने के लिए चला जाता है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको विंजो नामक एक ऐप के बारे में बताना चाहूंगी जिसमें आप मस्त गेम खेलते खेलते पैसे जीत सकते हैं। इसमें आपको बहुत तरीके के अलग अलग गेम्स मिलेंगे जिसमें हर वक्त कोई ना कोई टूर्नामेंट या चैलेंजेस चलते रहते हैं जिनमें पार्टिसिपेट करके आप मस्त बैठे बैठे ही पैसे अर्न कर सकते हो। डोंट वरी, ये बिल्कुल सेफ है और इजिली मनी विड्रॉल भी हो जाता है इसे, मैं खुद यूज करती हूँ। अगर आपको भी मेरी तरह खेल खेल कर पैसे कमाने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। पूरे एपिसोड देखने के बाद ऐप डाउनलोड करके मस्त खेलो और जीतो। एंड वन मोर थिंग, इस ऐप को डाउनलोड करते ही आपको ₹50 ज्वाइनिंग बोनस भी मिलेगा, सो डू चेक इट आउट। ओके, नाउ बैक टू एपिसोड। उसके बाद सीरीज में दो नए अनजान चेहरों को दिखाया जाता है जो किसी माफिया से कम नहीं लग रहे, एंड आई गेस माफिया ही है बिकॉज़ ये लोग नशीली ग्लूकोंडी पाउडर का धंधा करते हैं। इन दोनों चेहरों को एकदम ध्यान से याद रखिएगा क्योंकि आगे सीरीज में ये बहुत काम आने वाला है। एक और बात, वैसे तो ये दोनों कोरिया के ही निवासी हैं, पर यहाँ रहते नहीं है। फिलहाल ये दोनों कोरिया इसीलिए आए हैं क्योंकि इनकी नशीली ग्लूकोंडी को कोई चुरा रहा है और उन्हीं चोरों को पकड़ने के लिए ये दोनों यहाँ आए हैं और ये लोग उन चोरों को चूहा बुलाते हैं। तो क्या नाचो मैं? यहाँ पर एक और बात पता चलती है कि ये लोग अपनी नशीली ग्लूकोंडी उस साइको एमएलए को भी बेचते हैं। ओके, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन बाजी हो गई, तो अब एपिसोड पर आते हैं। दूसरे दिन अपना चिंदी लौंडा तैयार हो रहा होता है तभी घोंचू डोंगियोल उसके लिए वही बचपन वाला रोबोट खरीद कर लाता है। वो भी इसीलिए क्योंकि रात को अपने चिंदी लौंडे ने भर भर कर मैसेज किया था कि इसे वो रोबोट चाहिए तो चाहिए। ऑब्वियसली ये मैसेज अपने चिंदी लौंडे ने नहीं बल्कि इसकी दूसरी पर्सनालिटी उस सिरफिरे ने किया है। ही बी लाइक, उस सिरफिरे को और क्या क्या पता है, और अपना माथा पकड़ लेता है। फिर डोंगियोल बोलता है, वैसे तुम उस चीज का क्या करने वाले हो? सुयोल बोलता है, कौन सी चीज? डोंगियोल बोलता है, वही चीज जो तुमने दुकान पर रखवाई है, उसी में से तो एक नेकलेस मैंने माँ को दिया था। सुयोल बोलता है, कहाँ है, जल्दी दिखाओ मुझे। उसके बाद दोनों दौड़कर अपने पिज्जा की दुकान पर जाते हैं और डोंगियोल उसे स्मगलिंग के सामान से भरा एक पेटी दिखाता है।
तब सुयोल को याद आता है कि सबकी कुटाई करने के बाद ये स्मगलिंग के सामान का एक पेटी अपने साथ ले गया था। अच्छा, तो इसी पेटी को लेकर वो गैंग लीडर भड़क रहा था। एनीवे, सुयोल झट से अपने बाहुबली जैसे उनको कॉल करता है और पूछता है कि ब्लैक मार्केट डीलर्स की लिस्ट तैयार हुई, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है। इसीलिए चिंदी लौंडा भड़कने लगता है कि सपोर्टिंग यूनिट कर क्या रही है। उसकी बातें सुनकर घोंचू डोंगियोल हंसते हुए बोलता है, ओ भाई, आजकल ब्लैक मार्केट डीलर्स के पास कौन जाता है, ऐसे लोग आजकल भी एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद सारे सामान का मस्त फोटो खींचकर अपना घोंचू डोंगियोल सारे फोटोज को डार्क वेब पर डाल देता है। सुयोल बोलता है, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा ना, ये डार्क वेब है, बहुत खतरनाक चीज है ये। डोंगियोल बोलता है, टेक अ चिल पिल मेरे भाई, कुछ नहीं होगा, आई एम अ प्रो यू नो। सुयोल बोलता है, तुम श्योर हो, उन लोगों को कम मत समझो, अगर पकड़े गए ना तो। डोंगियोल उसकी बात को काटते हुए बोलता है, कुछ नहीं होगा, डार्क वेब का यही तो फायदा है, सामने वाले के बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता चल पाता, और मैंने ऐसा बहुत बार किया है, तो टेंशन नहीं लेने का। तभी सुयोल को एक कॉल आता है और सामने वाले की बात सुनकर इसके माथे पर चिंता की लकीर दिखने लगती है। उसके बाद अपना चिंदी लौंडा एक प्रोसिक्यूटर यानी कि लॉयर के ऊपर वाले रैंक के बंदे से मिलने जाता है। इस प्रोसिक्यूटर का नाम नाम यून सुक है और इसी ने अपने चिंदी लौंडे को यहाँ बुलाया है। ये बंदा अपने काम को लेकर बहुत प्रोफेशनल है और लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है, पर बेचारे को अभी तक कोई बंदी ही नहीं मिली है जिसका ये रोना हमेशा रोता रहता है। एनीवे, अब काम की बात पर आते हैं। ये प्रोसिक्यूटर अभी एक जूनियर प्रोसिक्यूटर है जो एक एक्सपीरियंस प्रोसिक्यूटर के अंदर काम करता है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि इसका सीनियर यानी कि वो एक्सपीरियंस प्रोसिक्यूटर उस साइको एमएलए के साथ ट्रेनिंग कर चुका है। तो पॉइंट ये है कि साइको एमएलए अब सुयोल को फंसाने में लगा है। आपको तो पता ही है कि सिरफिरे के अपीयर होने से पहले अपना चिंदी लौंडा एक भ्रष्टाचारी ऑफिसर था, राइट? तो वो साइको एमएलए अपने दोस्त यानी कि वो सीनियर प्रोसिक्यूटर जिसके अंदर ये जूनियर प्रोसिक्यूटर काम करता है, उसकी मदद से इस जूनियर प्रोसिक्यूटर के जरिए चिंदी लौंडे का कच्चा चिट्ठा खुलवा रहा है, ताकि पास्ट में अपने चिंदी लौंडे ने जितने भी तिगड़मबाजी करे हैं वो सब बाहर आ जाए और एमएलए तक पहुंचने से पहले सुयोल ही पहुंच जाए। और इसी बात की जानकारी देने के लिए इस प्रोसिक्यूटर ने अपने चिंदी लौंडे को यहाँ बुलवाया है कि आज से इसके सारे कांड का कच्चा चिट्ठा ऑफिशियली खुलने वाला है। रोक सको तो रोक लो। उधर साइको एमएलए उसी नशीली ग्लूकोंडी का धंधा करने वाले लोगों से मिलने के लिए गया होता है। एंड आई थिंक ये मैडम माफिया की लीडर है, तभी तो एमएलए को एक पैसे का भी भाव नहीं दे रही। एमएलए ने इसे बुलावा भेजा था, पर बेचारे को खुद ही इसे मिलने के लिए आना पड़ा, और अभी एमएलए को इग्नोर करते हुए ये मस्त खाने में लगी है, इसका तो स्वैग ही अलग है। खैर, एमएलए उसे एक फोटो देता है और दोनों के बीच में ये डील होती है कि ये स्वैगर वुमनिया उस फोटो वाले आदमी जो अभी अभी एमएलए ने इसे दिया है उसका खून करेगी, और बदले में एमएलए उसे एक डिलीवरी सर्विस कंपनी देगा। बेसिकली इसे एक डिलीवरी सर्विस कंपनी इसीलिए चाहिए ताकि उसकी आड़ में ये खुले आम अपनी नशीली ग्लूकोंडी पाउडर का धंधा कर सके, और जो लोग इसके नशीले ग्लूकोंडी पाउडर को चुरा रहे हैं वो भी ना चुरा पाए। उधर गैंग लीडर के फेक एक्सेंट वाले अंग्रेज जमुरे को डार्क वेब पर घोंचू डोंगियोल ने जो स्मगलिंग वाले सामान के फोटो को पोस्ट किया था वो मिल जाता है, और घोंचू डोंगियोल के आईडी के जरिए वो उसके पिज्जा के दुकान का पता लगा लेता है। उसके बाद शाम को अपना चिंदी लौंडा बाहुबली से फोन पर बात कर रहा होता है, जो उसे बता रहा होता है कि सुयोल के पिछले 5 साल के रिकॉर्ड्स की पूरी बारीकी से जांच हो रही है। यानी कि उस साइको एमएलए ने फुल प्रूफ प्लान बना कर रखा है कि अपने चिंदी लौंडे का सारा अचीवमेंट और रैंक उतरवा कर इसे लंबे समय तक अंदर करवाएगा। दैट मीन्स इसकी पूरी बर्बादी। परेशान सुयोल बाहुबली जेसियन से बात कर रहा होता है और बार बार घोंचू डोंगियोल का कॉल आ रहा होता है। बार बार कॉल आने की वजह से इरिटेट होकर जब घोंचू डोंगियोल को डांटने के लिए वो कॉल रिसीव करता है, तो पता चलता है कि गैंग ने तो उसे पकड़ लिया है और मार मार कर बेचारी को उल्टा लटका दिया है। डोंगियोल रोते रोते बोलता है, भाई प्लीज इसे बता दो कि वो सामान तुमने चुराया था, मैंने कुछ नहीं किया। तभी फेक एक्सेंट वाला वो अंग्रेज जमुरा बोलता है, ओए तुम वही सिरफिरे हो जिसने हमारा सामान छुड़ाया। सुयोल भी लाइक, तू कौन है बे, और ये कौन सी भाषा बोल रहा है। तभी उसे याद आता है कि ये तो वही फेक एक्सेंट वाला गैंग लीडर का जमुरा है जो इसे चकमा देकर भाग गया था। जमुरा बोलता है, तू जिधर भी है जल्दी से यहाँ पहुँच जा, वरना इसकी खैर नहीं।
अब सुयोल बहुत खुश, जिन्हें ये इतनी शिद्दत से ढूंढ रहा था, आखिरकार उन्होंने सामने से ही अपने मैयत का बुलावा दे दिया। और डोंगियोल का क्या, ये उसे तो किसी न किसी तरह से बचा ही लेगा। एनीवे, उसके बाद गैंग के सारे लोग डोंगियोल को बंधा हुआ छोड़कर खाने के लिए जा रहे होते हैं और अपना चिंदे लौंडा गैंग के अड्डे के बाहर छुप कर बाहुबली जेसियोन के आने का इंतजार कर रहा होता है। तभी जेसियोन का कॉल आता है और सुयोल अपने धनों में बैठकर उसे बातें करने लगता है, पर तभी अंग्रेज जमुरा उसे देख लेता है और अदर गैंग मेंबर्स को बुला लेता है। सुयोल को उसकी धनों से बाहर निकालने के लिए सारे लोग इसके धनों का ही तोड़फोड़ करने लगते हैं। अरे यार, सब लोग बेचारे धनों को ही क्यों अपना टारगेट बनाते हैं, बहुत गलत बात है यार। जनता माफ नहीं करेगी। सुयोल जैसे तैसे करके वहाँ से भागता है और भागते भागते एक शॉपिंग मॉल में आकर छुप जाता है। उसका पीछा करते हुए बाकी गैंग मेंबर्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं और पूरे मॉल में उसे इधर उधर ढूंढने लगते हैं। सुयोल भी लाइक, ओए के कहाँ है तू, बाहर निकल, अभी मौका है, जल्दी बाहर आ जा, के जल्दी बाहर आ जा। बट अनफॉर्चुनेटली वो बाहर नहीं आता। उसके बाद छुप छुप के सुयोल खुद ही गैंग मेंबर्स की पुंगी बजाना शुरू करता है, पर दुर्भाग्य से 3-4 मेंबर्स की पुंगी बजाने के बाद बेचारा पकड़ा जाता है। सुयोल भी लाइक, कमीना दूर रहो मुझसे, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो किसी की खैर नहीं, वो हेलमेट वाला बंदा जिसने तुम लोगों को कूट दिया था ना, वो मैं ही था मूर्ख। अंग्रेज जमुरा बोलता है, फिर तो और भी ज्यादा मजा आएगा, अगर तू ही वो सिरफिरा है तब तो हम एक तीर से दो निशाना कर लेंगे। सुयोल बोलता है, तेरी हिंदी इतनी अच्छी कब से हो गई बे। तभी एक बंदा उसे जोर का मुक्का मारता है। जब सुयोल को होश आता है तो वो देखता है कि सिरफिरा उसके बगल में बैठकर मस्त चिप्स खा रहा है। ही बी लाइक, साले तुझे जब आना ही था तो मुझे इतना मार क्यों पड़वाया तूने। सिरफिरा बोलता है, व्हाट अ वेस्ट, तू तो लड़ भी नहीं सकता, मेरी सारी बेइज्जती खराब करवा दी तूने, और फिर से चिप्स खाने लगता है। सुयोल बोलता है, तुझे कैसे भी करके उस गैंग लीडर को पकड़ना ही होगा, समझे। सिरफिरा बोलता है, और मैं ऐसा क्यों करूं। सुयोल बोलता है, तूने ही तो कहा था कि हमें साइको एमएलए को पकड़ना है, गैंग लीडर नहीं पकड़ाएगा तो हम साइको एमएलए को कैसे पकड़ेंगे। फिर क्या था, सिरफिरा गैंग लीडर की पुंगी बजाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी गैंग लीडर भी शॉपिंग मॉल पहुंचता है और जमुरा उसे बताता है कि यही वो बंदा है जिसने इनका सारा सामान चुराया था। तभी दोबारा मिलकर अच्छा लगा, चलो कुछ तूफानी करते हैं। उसके बाद जो अपना सिरफिरा सबकी बैंड बजाता है, मतलब क्या ही बताऊं, इतना मारता। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। तभी अंग्रेज जमुरा पीछे से उसके पीठ पर वार करता है, चाकू पकड़े हुए दोनों पागलों की तरह चिल्लाने लगते हैं। एक गुस्से में चिल्ला रहा होता है तो दूसरा मस्ती में। तभी हुईग्यूम पूछती है, तुम ठीक हो। तब तक सुयोल अपने सेंसेस में आ चुका होता है और उसे रियलाइज होता है कि फिर अपनी हाइपर एल्बेली अपने चिंदी लौंडे के हाथ में रुमाल बांधने लगती है और उसे देख कर ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। उसके बाद पुलिस उन सबको पकड़ कर ले जाने लगती है। हुईग्यूम बोलती है, तुम तो बड़े फट्टू किस्म के इंसान थे यार, आज तुमने अपने हाथों से उस चाकू को कैसे पकड़ लिया। सुयोल बोलता है, वो मैं नहीं, खैर जाने दो, तुम नहीं समझोगी। हुईग्यूम बोलती है, वैसे डोंगियोल कहाँ है। तब इसे याद आता है कि इसने डोंगियोल को तो बचाया ही नहीं और दौड़कर दोनों डोंगियोल के पास पहुंचते हैं। फिर दोनों मिलकर उसे उतारते हैं और पता चलता है कि डर के मारे बेचारे डोंगियोल ने अपनी पतलून गीली कर दी है। एक बार के लिए आप जरा सोचिए, ये उल्टा लटका हुआ था और इसने पतलून गीली कर दी, तो इसका यूरिन तो पूरे बॉडी। Disgusting shit. उधर हॉस्पिटल में इतने दिन से बेहोश पड़े अपने भले मानुष के हाथ और आंखों में कुछ हरकत दिखाई देती है, इसका मतलब अब ये जल्दी होश में आने वाला है।
दूसरे दिन गैंग लीडर का इन्वेस्टिगेशन शुरू, जो अपना चिंदी लौंडाई कर रहा है। गैंग लीडर उसे बता देता है कि मृत जोंग युना की लाश को ठिकाने लगाने का काम उसे दरिंदे डू इनव्यूम ने दिया था। फिर क्या था, बिना ज्यादा समय गवाए वो तुरंत बाहुबली के साथ दरिंदे को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। अब एमएलए तक पहुंचने के लिए बस एक ही कदम की दूरी है। एक बार डू इनव्यूम हाथ में आ गया, फिर तो एमएलए गया। उधर दरिंदा डू इनव्यूम भागने की तैयारी में होता है, तभी माफिया वाली वो स्वैगर वोमनिया और उसका खास आदमी वहाँ पहुँच जाते हैं और पता चलता है कि एमएलए ने जिस इंसान को मारने का काम दिया था वो ये दरिंदा डू इनव्यूम ही था। स्वैगर वोमनिया मस्त अक्यूरियम की मछलियों के साथ खेलने में लगी होती है और पीछे उसका खास आदमी दरिंदे का गला दबाकर उसे मारने में लगा होता है। जब सुयोल और बाहुबली वहां पहुंचते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। उन्होंने इसे मार कर ऐसा सिनेरियो बना दिया होता है जो देखकर लग रहा है कि दरिंदे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अब सब खत्म, एमएलए को पकड़ने की जो भी उम्मीद थी सब खत्म हो गई। ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे अपना धोनी 99 रन बनाकर आउट हो गया। सांप सीढ़ी के खेल में 99 तक आकर सांप ने काट लिया। पर ये तो कुछ भी नहीं, असली स्यापा होना अभी बाकी है। जब ये दोनों डिपार्टमेंट ऑफिस पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन टीम इनके सारे फाइल्स, रिकॉर्ड, सारी चीजें जब्त कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि छापामारी चल रही है। इससे पहले कि सुयो समझे कि ये सब हो क्या रहा है, घर से कॉल आ जाता है और पता चलता है कि कुछ लोग छापामारी करने के लिए घर भी पहुंच गए हैं। फिर दिखाया जाता है कि घर के दुकान का सारा सामान बिखरा हुआ है और वो लोग छापामारी करके जा चुके हैं। माँ बहुत परेशान है कि ये सब क्यों हो रहा है और सुयोल के पास इसका कोई भी जवाब नहीं है, क्योंकि ये सब इतनी जल्दी हुआ कि इसे कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। माँ बोलती है, डोंगियुल का भी पता नहीं कि वो कहाँ है, मैंने उसे इतना कॉल किया पर कंबख्त फोन ही नहीं उठा रहा। फिर वो सुयोल से पूछती है, सुयोल बेटा सब ठीक है ना? सुयोल बोलता है, हाँ माँ तुम परेशान मत हो, सब ठीक है। तभी साइको एमएलए का कॉल आता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि सुयोल उस साइको एमएलए से मिलने गया है जो कुछ और लोगों के साथ मिलकर लड़कियों के साथ अय्याशियां वाली पार्टी कर रहा है। सुयोल अपने घुटने पर बैठकर उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि सर इस बार माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मेरा दिमाग फिर गया था, आपको मुझे जितना मारना है मारकर अपनी भड़ास निकाल लीजिए। लेकिन उसकी बात को काटते हुए साइको एमएलए बोलता है, ये तुम क्या बोल रहे हो, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा, मैं कोई क्रिमिनल थोड़ी हूँ, और हंसने लगता है। सुयोल वो नेकलेस निकाल कर उसे देता है और बोलता है, हमारे पास बस यही एक सबूत था, वो भी इतना डैमेज है कि कुछ साबित नहीं हो पाएगा, मैं अपनी औकात भूल गया था, प्लीज एक बार मुझे माफ कर दीजिए, बस एक बार, आप जो बोलेंगे मैं सब करूंगा। एमएलए सुयोल को अल्कोहल सर्व करते हुए बोलता है, देखो गलती तो सबसे होती है ना। सुयोल घबराहट में एक ही घूंट में पूरी गिलास पी जाता है। फिर एमएलए बोलता है, ठीक है माफ किया, लेकिन तुम्हें अब कहीं और काम करना होगा, तुम भी तो किसी बड़े कंपनी में काम करना चाहते होगे, है ना। और फिर से उसके ग्लास को भरने लगता है। उसकी बात सुनकर सुयोल हैरान, वो बोलता है, आपका मतलब है कि मुझे पुलिस फोर्स छोड़ना होगा। ये सुनकर एमएलए गुस्से से सुयोल को घूरने लगता है। सुयोल अपना सिर झुका लेता है। घूरते घूरते एमएलए सुयोल का पूरा ग्लास भर देता है और अल्कोहल ग्लास से गिरने लगता है। पूरी बोतल खाली होते होते एमएलए का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वो बोतल को पटक कर तोड़ देता है और सुयोल चुपचाप अपना सिर झुकाए वहीं बैठा रहता है। एमएलए बोलता है, तो क्या तुम पुलिस फोर्स में रहने की सोच रहे हो? सुयोल घबराते हुए बोलता है, नहीं सर बिल्कुल नहीं, एक बड़ी कंपनी ज्यादा अच्छी है। और फिर से पूरी ग्लास एक ही सांस में पीने लगता है। फिर एमएलए सुयोल को मृत जोंग युना का वही आखिरी मैसेज वाला क्लिप दिखाता है जो उसने अपनी बेटी के लिए रिकॉर्ड किया था। वीडियो देखकर सुयोल इमोशनल हो जाता है। एमएलए बोलता है, ये तुम रख लो, मेरी तरफ से ये तुम्हारा रिटायरमेंट गिफ्ट है। और फिर हंसते हुए सुयोल के पीठ पर अपना पैर पोंछ कर अय्याशी करने के लिए चला जाता है। अभी सुयोल को खुद पर इतना गुस्सा आ रहा है कि सहन नहीं हो पा रहा है इसे, पर ये बेचारा मजबूर है क्योंकि अपने चक्कर में ये अपने परिवार को तो दांव पर नहीं लगा सकता ना। तभी उसे छोटी बच्ची की वो बात याद आती है, मैंने बोला था ना कि कोई बात नहीं, आप मुझे बता सकते हैं अंकल। फिर रोते रोते बोलती है, अब मुझे माँ को ढूंढने की जरूरत नहीं, अब आप भी उन्हें ढूंढना बंद कर सकते हो। सुयोल रोने लगता है। फिर बाथरूम में जाकर उल्टी करके अपने पेट से सारा अल्कोहल निकालते हुए रो रो कर खुद को ही कोस रहा होता है। तभी किसी का कॉल आता है। सुयोल कॉल रिसीव करता है तो पता चलता है कि ये तो अपना भला मानुस ग्योंगते है। ग्योंगते बोलता है, सुपरिटेंडेंट रियू मेरी मदद कीजिए, वो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, मैं ग्योंगते बोल रहा हूँ। ये सुनकर सुयोल हैरान। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा ये एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ,
हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी फॉलो कर लीजिए। अकाउंट्स का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी है और साथ ही आपके स्क्रीन पर भी स्लैश हो रहा है। अब अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, अपने जैसे ड्रामा लवर दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।